दोस्तों एशिया कप 2022 से जसप्रीत बुमराह हुए बाहर, जिसके बाद ये खबर सुनकर जसप्रीत बुमराह के फैंस एकदम निराश हो गए। जसप्रीत बुमराह को एशिया कप 2022 के लिए नहीं चुना गया है। दोस्तों आखिर क्या है पूरा मामला जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। दोस्तों अभी क्रिकेट जगत से बहुत ही बुरी खबर आ रही है, उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों आज या कल में एशिया कप की टीम का ऐलान होना है, लेकिन ऐसे में जसप्रीत बुमराह फिट पाए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह वेस्ट इंडीज दौरे पर ही चोटिल हो गए थे। उनका जो चोट था वो पीछे पीठ की तरफ लगा हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के ऊपर काफी ज्यादा शंका बना हुआ है। ऐसे में लगता है कि शायद जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2022 ना खेले। एशिया कप 2022 के लिए बाकी देशों ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, बट अभी तक टीम इंडिया ने अपनी टीम का ऐलान नहीं किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया भी आज या कल में अपनी टीम का अनाउंस कर देगी। जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से एशिया कप 2000 से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों जैसे ही ये खबर जसप्रीत बुमराह के फैंस को पता चली वो एकदम निराश हो गए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के नंबर वन बॉलर हैं। उनकी यारगर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अभी तक अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एशिया 2022 28 अगस्त से खेला जाएगा। एशिया कप में जो इंडिया का पहला मुकाबला है वो पाकिस्तान से। ऐसे में जसप्रीत बुमराह का चोटिल होना ये निराशा होने की बात है। दोस्तों आई होप जसप्रीत बुमराह ठीक हो जाएं और एशिया कप में सेलेक्ट हो जाएं।